बीते 48 घंटों में क्रेमलिन से एक या दो नहीं पूरे चार न्यूक्लियर चेतावनियां जारी हुई हैं। खुद पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। अचानक रूस की वॉर स्ट्रैटेजी में हुआ बड़ा बदलाव दुनिया को डरा रहा है। जो रूस अब तक अटैकिंग मोड पर लड़ रहा था वो अब डिफेंसिव हो गया है। रूस की सरकार से लेकर सेना तक एक सुर में बोल रही है कि खतरा रूस की सीमा के अंदर पहुंचा तो ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन ने दुनिया के ताकतवर लोगों को कॉल कर रहे हैं और रूसी सेना बेलगोरोद में डिफेंस वॉल तैयार कर रही है। ये सब बहुत तेजी से हुआ है मॉस्को के पास यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद, और इसीलिए अब देखिए ऐलाने एटम बम प्रचंड विनाश आरंभ। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इसी साल, इसी महीने या इसी हफ्ते हो सकता है। रूस में यूक्रेन के लगातार 5 सीरियल अटैक के बाद रूस खतरे में है, और पुतिन ने साफ साफ कहा है रूस अगर खतरे में हुआ तो उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी में एटम बम भी आते हैं। दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 रूस यूक्रेन युद्ध में ये दो तारीख ऐसी घटनाओं की गवाह बनी है जो एटम बम के धमाके के साथ विश्व विनाश की शुरुआत कर सकती है। 2 दिसंबर को क्रेमलिन में बैठे पुतिन की बातचीत जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स से हुई। पुतिन ने ओलाफ शोल्स को साफ साफ आगाह किया कि अगर यूक्रेन हथियार बढ़ाएगा तो अपनी तबाही खुद बुलाएगा, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। 5 दिसंबर को यूक्रेन ने पुतिन की चेतावनी को अनदेखा करते हुए रूस की जमीन पर यूक्रेन की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। 5 और 6 दिसंबर को वो हुआ जो कल्पना से परे था। रूस के 3 एयरबेस और 1 ऑयल रिजर्व पर यूक्रेन के ड्रोन ने अटैक किया। पहला हमला एंगल्स एयरबेस पर हुआ, दूसरा हमला डाइगिलेवो एयरबेस पर हुआ, तीसरा हमला कुर्स्क एयरपोर्ट पर हुआ, चौथा हमला रूस के ब्रियांस्क ऑयल फील्ड पर किया गया। 5वां ड्रोन अटैक हिट करता इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को के एकदम करीब हुई इन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुतिन ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरी बार है जब पुतिन ने अपने मुंह से एटम बमों के इस्तेमाल का साफ साफ जिक्र किया है। इससे पहले भी नाटो देशों को पुतिन महातबाही की साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं। पुतिन ने युद्ध शुरू होते ही नाटो देशों को इस युद्ध से दूर रहने या महातबाही झेलने की साफ साफ चेतावनी दी थी। इतने के बाद भी नाटो देशों ने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन ने जर्मन चांसलर से बातचीत में न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, और अब एक बार फिर पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया पर इस वक्त न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐलान पुतिन है, ऐलान कि इस युद्ध का दी एंड परमाणु बम से ही होगा। लेकिन अगर आप अब
तक इसे जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार दी गई पुतिन की कोरी धमकी मान रहे हैं, तो एक बार क्रोनोलॉजी देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये कोरी धमकी नहीं है, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन की धमकी खतरनाक है क्योंकि पिछले 48 घंटे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस में डिफेंस काउंसिल के प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव भी एटम बमों के इस्तेमाल और न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर चुके हैं। पांच दिसंबर को यूक्रेन ने रूस पर 5 सीरियल अटैक किए। यूक्रेन की सर्जिकल स्ट्राइक में रूस के परमाणु बॉम्बर डैमेज हो गए और इसके बाद पुतिन के नए बयान से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी न्यूक्लियर वॉर की बात की। रूस के राष्ट्रपति, रूस की सरकार और रूस की सेना सबने तय कर लिया है कि अब जरूरत पड़ी तो एटम बम का ट्रिगर दबा दिया जाएगा और इसकी पुष्टि करता है रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष का बयान। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक जंग के बीच देश को टूटने से बचाने के लिए सिर्फ परमाणु शस्त्रागार ही एक ताकत है। अदावत के मुहाने पर खड़े देशों को रूस विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें अमेरिका को काउंटर करने के लिए सोवियत रूस ने ही बनाया था। मॉस्को तक यूक्रेन की बारूदी बारिश होने के बाद रूस को अपनी सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस काउंसिल प्रमुख के बाद पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात अब सिर्फ बातों में नहीं रह गई है बल्कि वॉर स्ट्रेटजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें बातचीत भी शुरू हो गई है। जानकारी ये है कि दुनिया में एटम बम की चुनौती देने के बाद पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल जायद नायान से बात की है। फोन लाइन पर एक तरफ थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी दोस्त रहे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। दोस्ती के बदलते समीकरणों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को टेंशन में डाल दिया है। पुतिन और नाहयान के बीच हुई बातचीत का दावा खुद रूसी राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन की वेबसाइट पर किया गया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एटम बम जैसा बड़ा निर्णय लेने से पहले पुतिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बता देना चाहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पुतिन से लेकर रूसी सरकार के कद्दावर मंत्री और रूसी सुरक्षा परिषद तक में एटम बम की बात होने लगी है, क्योंकि पुतिन को अब खेरसोन की तरह डोनेस्क के हारने का डर हो गया है। रूस पर और बड़े हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन बेलगोरोद में सबसे बड़ा हमला कर सकता है। रूस का बेलगोरोद शहर यूक्रेन की सीमा पर खारकीव के बिल्कुल नजदीक है। यूक्रेन ने अब बेलगोरोद में बड़े हमले की तैयारी कर ली है। बेलगोरोद के आसपास के इलाके में कई बड़े हथियार इकट्ठा कर लिए गए हैं। बेलगोरोद पर हमले का नया इनपुट मिलने के बाद रूसी सेना ने बेलगोरोद में डिफेंस वॉल बनानी शुरू कर दी है। मॉस्को के पास तक यूक्रेन के सीरियल हमलों के बाद रूसी अग्रेशन डिफेंसिव हो गया है। यूक्रेन रूस के परमाणु बॉम्बर्स को टारगेट कर रहा है। इस बीच कई सैटेलाइट इमेज ऐसी भी आई हैं जहां रूस के TU-95 बॉम्बर्स की जगह बदली गई है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।